एक बार जोरदार हो जाए। चलिए आज अपने एक और स्टूडेंट से मिलते हैं अमन कुमार से जिनकी रैंक 538 है जो कि बिहार से हैं और अमन को अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है तो अमन सबसे पहले तो इस रैंक के लिए आपको और इस कॉलेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और अमन क्लासरूम स्टूडेंट हैं बार बीच में क्योंकि लॉकडाउन के वजह से घर भी चले गए थे और फाइनेंशियल भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी बहुत अलग अलग लाइफ की सिचुएशन को इसने फेस किया है तो अमन मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी जरूर बताएं बच्चों को जो लोग कई बार फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से रुक जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम्स के वजह से उनके लिए आपका क्या मैसेज है जरूर बताना हेलो एवरीवन मेरा नाम अमन कुमार शर्राफ है और मैं बिहार के एक छोटे से शहर रक्सौल से हूँ मैंने अपनी बी सी कॉलेज से की है जो कि ग्रेटर नोएडा में है तो मैं जब अपने फोर्थ सेमेस्टर में था तो मुझे पता चला कि निमसेट भी एक एग्ज़ाम होती है जिसके थ्रू एन मिलती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ सर सौरभ सर के कारण पता चला क्योंकि मैं सौरभ सर की वीडियोस मतलब अक्सर देखा करता था तो मुझे उस वेबकास्ट के थ्रू शरद सर के बारे में पता चला शरद सर का नंबर मुझे मिला तो मैंने सर से बात की और सर के पास पेनड्राइव कोर्स का ऑप्शन था तो मैंने वो कोर्स बात करके सर से ले ली क्योंकि मेरे पास थो, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी और कॉलेज में भी मेरे सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस कंपलसरी थी तो मैं यहाँ आके नहीं पढ़ सकता था तो मैंने पेन ड्राइव ली और जब मैंने पेन ड्राइव से जब पढ़ाई करनी शुरू की तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मुझसे सेट थ्योरी के क्वेश्चन क्वालिटी के क्वेश्चन ये सब मतलब बिल्कुल नहीं बनते थे तो मैंने धीरे धीरे वीडियोस देखना चालू की और सर से मैं रेगुलर बात करता था अपनी परेशानी में शेयर करता था जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो मैं लेक्चर्स देखता था और टाइम टाइम पे जो भी मुझे सीट्स मिलते थे प्रॉब्लम मिलते थे वो मैं सॉल्व करता था तो एक दिन सरद सर ने यूट्यूब पर बताया कि जो भी बच्चे पेन ड्राइव से पढ़ रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि क्लासरूम में कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो यहाँ पर आके एक्सपीरियंस ले सकते हैं तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और मैं सर से बात करके मैं भोपाल आया तो मैं भोपाल आया तो मैं मुझे पता चला कि बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं कितने घंटे पढ़ पढ़ते हैं पहले क्या होता था कि मेरे साथ की जब मैं घर पे पढ़ाई करता था अकेले तो जब मैं दो तीन घंटे ही पढ़ता था तो मुझे लगता था कि बहुत पढ़ लिया मतलब अब तो ठीक ही है इतना पढ़ लिया काफ़ी है लेकिन यहाँ आया जब इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे पता चला कि हाँ वाकई में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और ये मतलब तब मुझे पता चला कि एग्ज़ाम कितनी बड़ी एग्ज़ाम है तो मैं ये सब कुछ सीख के यहाँ पे यहाँ से फिर मैं वापस गया तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी कंटिन्यू कर दी कॉलेज भी मैनेज करता था क्योंकि तो कॉलेज में सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस थी और डेली जाना होता था तो मैंने साथ साथ में ही अपनी पढ़ाई मैनेज की तो एक समय जब सर से मैंने बात की मेरी थोड़ी पढ़ाई ढीली हो जा रही थी रिजल्ट के समय में जब भी मतलब एग्ज़ाम पास आती थी तो थोड़ी सी मतलब ये एम के प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती थी तो जब मैंने अपने फिफ्थ सेमेस्टर की जब एग्ज़ाम दे दी तो सर से बात की सर उस वक्त जनवरी में फास्ट ट्रैक कोर्स कुछ अनाउंस करने वाले थे तो मैंने सर से बात की और मैं कुछ महीने के लिए आ, मैं भोपाल आया क्लासरूम जॉइन क्लासरूम ज्वाइन किया मैंने तो मैं भोपाल आया मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी टेस्ट में भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन बीस पच्चीस दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी यहाँ पर Uh, कुछ कुछ मतलब तबीयत ख़राब हो गई मेरी चिकन पॉक्स वगैरह हो गया मतलब बहुत सारी दिक्कतें आने लगी तो मुझे घर जाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे अकेले मुझसे नहीं हो पा रहा था सब कुछ तो मैं घर गया और सर के पास उस वक्त अभी लाइव क्लासेस का नया नया ऑप्शन आया था तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट बना तो मैं लाइव क्लास लेकर मैं घर गया जब मेरी तबीयत अच्छी हो गई लगभग पंद्रह बीस दिन लगे उसमें अच्छी हो गई तबीयत बिल्कुल फिर मैं वापस आया भोपाल और फिर मैंने अपनी पढ़ाई चालू करी बढ़िया से तो पढ़ाई करते करते मार्च आया तो मार्च में कोविड के केसेज आने लगे तो मेरी माँ और मेरी बहन दिल्ली में रहते हैं तो वो बहुत घबरा गए और मैं भी थोड़ा सा डर गया था तो मुझे जाना पड़ा दिल्ली तो जब मैं वहाँ पे गया तो बिल्कुल थोड़ी पढ़ाई ढीली हो गई बिल्कुल मौन, सा हो गया था सब कुछ और बिल्कुल पढ़ नहीं पाता था मैं वहाँ पे और एग्ज़ाम डेट जब आया वापस बीएचयू का जब डेट आया तो मुझे लगा कि अब एग्जाम्स के डेट आने लगे हैं तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने तैयारी एक्सेलरेट किया और पढ़ाई फिर से चालू की तो जब बीएचयू का एग्ज़ाम देने गया तो पेपर बिगड़ गया मेरा बीएचयू का तो मुझे रिलाइज हुआ कि नहीं थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी है तो फिर से मैंने जो उसके साथ थोड़ी निमसट के लिए तैयारी की और लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि यार मैंने जो टाइम मिला था मुझे कोविड के कारण वो मैंने वेस्ट कर दी ये सब मेरे मन में डर बैठ गया था और मेरे जो भी प्रिपरेशन मैंने की थी इतने साल पहले इतने महीनों में वो सब मेरे दिमाग से जाने लगी लगी कि मतलब मैं सब भूल रहा हूँ फिर मैं एग्ज़ाम के एक महीने पहले आ, मैं भोपाल आया और मैंने फिर से सब कुछ पढ़ाई की सब अच्छे से सब कुछ किया लेकिन मेरे मन में ना कहीं ना कहीं एक डाउट बैठ गया था कि मैंने कुछ कमी कर दी है मैंने कुछ कमी कर दी है तो ये डाउट ना मेरे मन में था और मेरे मन में एक डर बैठ गया कि अगर नहीं होगा एग्ज़ाम इस बार तो मैं क्या करूँगा मेरे मम्मी पापा का इतना बड़ा सपना है मैं कैसे सब कुछ करूँगा तो इसी डाउट के साथ जब मैं पेपर देने गया तो पेपर देख के मैं बिल्कुल चौंक गया मैं पेपर तो खैर बहुत ज़्यादा एज था ट्वेंटी ट्वेंटी का इसके बावजूद भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया पेपर में और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैनेजमेंट तो पेपर मेरा बिगड़ गया तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि पेपर मैंने बिगाड़ दिया वैसे तो फिर जब मेरी रिजल्ट आई ट्वेंटी ट्वेंटी की तो मुझे पता था कि मतलब इस बार तो कुछ अच्छा होने नहीं वाला है तो मैं सर से एग्ज़ाम दे के आने के बाद ही मैंने सर से बात करी थी कि सर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि इस बार मैं कुछ एन में जाऊँ क्योंकि मेरी अपनी बेस्ट नहीं दी है इस एग्ज़ामिनेशन में तो सर ने बात किया ठीक है अगर मतलब अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम फिर से तैयारी करो और फिर से लग जाओ इसमें तो जब रिजल्ट आई तो मैंने सर से बात करी तो सर ने बोला कि आ जाओ भोपाल और यहीं से पढ़ाई करो लेकिन कोविड के कारण थोड़ी घर के फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ गई थी तो भोपाल आके रह के पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था तो मैं भोपाल तो आ गया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रहूँगा कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा क्योंकि सब बहुत दिक्कतें आ रही थी घर पर मैं भोपाल आया और कुछ दिन क्लासेस करी मैंने फिर मैंने सर की लाइव क्लासेस लेके मैं वापस चला गया मैंने सर से बोला कि सर जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी या फिर कुछ महीने बाद जब मेरी थोड़ी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाएगी फिर मैं भोपाल वापस आऊँगा तो मैं घर पर गया तो मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ कुछ ऑनलाइन कुछ कुछ करता था ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर सकूँ कि मैं भोपाल आके वापस पढ़ाई कर सकूँ और बेशक लाइव और क्लासरूम में बहुत फ़र्क पड़ जाता है ये मैंने खुद फील किया लेकिन मैंने ये सब बातें मतलब घर पे नहीं बताई थी कि मेरी तरफ़ से कोई कमी हो रही है बिल्कुल भी नहीं मैंने रियलाइज़ होने दिया था मैंने अपनी पूरी एफर्ट के साथ मैंने बहुत मेहनत की मैंने बहुत पढ़ाई की और जब मेरे पास कुछ इकट्ठे हो गए कुछ पैसे तो मैंने घर पे बताया कि कि मैंने माँ को बताया कि माँ मेरे पास कुछ हो गए मैं वापस जाना चाहता हूँ वहाँ पढ़ाई करना चाहता हूँ तो मैं मार्च में फिर वापस आया मार्च 2021 में मैं भोपाल आया और फिर से पूरे जोश के साथ मैंने पढ़ाई चालू की सब कुछ पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई की मेरी बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी लगभग मैं उसमें दस बारह दिन कोविड लग रहा था कि कोविड सा हो गया मतलब सारे सिम्टम्स थे लेकिन फिर भी मैंने उसमें भी पढ़ाई करी और ऐसा हो गया था कि मेरे रूम जितने भी रूममेट थे सारे रूम छोड़ के जर, चले चुके थे कोविड <laughs> से सबको डर लग रहा था लेकिन मेरा एक रूममेट था जो मतलब साथ में था बहुत हेल्प करी उसने मेरे उसको तो भी थैंक यू बोलूँगा मैं और फिर पढ़ाई की मैंने ये सब तबीयत खराब हो गई ये हो गई मैंने ये बात घर पे नहीं बता रहा था कि घबरा जाएंगे फिर मुझे मतलब बुलाने लगेंगे मैंने सब कुछ फेस किया और पढ़ाई मैंने चालू रखी तो तेईस मई का मेरा एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका था और पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी थी बहुत टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे तो जब फिर से जब कोविड का जब सीन ज़्यादा बढ़ गया तो हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ बंद होने लगे तो मुझे मजबूरन फिर वापस जाना पड़ा घर और जब घर वापस गया तो जब दिल्ली पहुंचा मैं तो दिल्ली में भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी तो मुझे फिर वापस होम अपने होम टाउन बिहार जाना पड़ा और बिहार जब पहुंचा तो वहाँ पे पढ़ाई करता था वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी, थी जैसे इंटरनेट के प्रॉब्लम आती थी, थी वहाँ पे मतलब बच्चे ज़्यादा थे घर में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी लेकिन मैंने ये सब किसी को रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मैंने अपनी पूरी फोकस अपनी तैयारी पर रखी और मैं बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ाई करता था टेस्ट वग़ैरह सब कुछ क्लासेस जो भी थे बिल्कुल टाइम पे देता था सब जैसे जैसे बताते थे एक एक बात को मैंने फॉलो की और जब एग्ज़ाम का डेट आया तो करीब सर ने बोला था कि एक महीने पहले आने के लिए सर ने बताया था कि जो आ सकते वो आ जाए तो मैंने सर से बात करी कि सर क्या करूँ मुझे आना चाहिए कि सर, सर ने बोला कि आ सकते हो तो आ जाओ लेकिन मैंने खुद से पूछा कि अमन क्या तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो कर सकते हो सब कुछ तो मेरे अंदर से था कि हाँ विश्वास था कि हाँ मैं कर लूँगा मैं यहाँ पे उतना इनपुट दे दूँगा जितना मैं वहाँ पे रह कर दूँगा मेरे अंदर पूरा विश्वास था क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी तो मैंने कहा कि सर मैं एग्ज़ाम देने बस आऊँगा बाकी तैयारी मैं यहीं से करूँगा तो सर के जितने भी गाइडेंस हैं सबको मैंने एक एक बात को मैंने फॉलो करी और बहुत कड़ी मेहनत के साथ मैंने एग्ज़ाम के लास्ट एक मंथ बहुत पढ़ाई करी तो जब मैं एग्ज़ाम से सात दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया भोपाल एग्ज़ाम देने तो मैंने क्लासरूम में बैठ के बच्चों के साथ मॉक टेस्ट दिए जो भी दिए तो मैं यहाँ पे देखता था कि बच्चों के तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्कोर से आ रहे हैं मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा सा डर गया कि मैंने कहीं कुछ कमी कर दी क्या घर पे रख के कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने लेकिन ये इन सब के बावजूद मैं मेरे अपने प्रिपरेशन -प्रे -प्रे पर पूरा फोकस था विश्वास था तो मैंने सर से जाके बात की और करीब तीन दिन पहले एग्जाम के कि सर मैंने सब कुछ तो पढ़ाई कर ली है लेकिन फिर भी सर बच्चे मेरे से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं शायद मेरे में कुछ कमी तो नहीं है तो सर ने वहाँ पे शरद सर थे प्रतीक सर से भी बात हुई थी मेरी शिवम सर भी थे तो सब ने मुझे समझाया कि कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है आप अपने जो भी कर रहे हैं क्योंकि आपको बस ये देखना है कि आपने बहुत मेहनत की है आपने जो इतने समय जो दिए हैं इस पर इस एग्जाम पे जो मेहनत की है आप वो सब याद करो और देखो कि कहीं आप में कुछ कमी तो नहीं अगर है तो आपको अभी टाइम है सब कुछ पूरा कर लो फिर आपके अंदर आ जाए तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरे पास तीन दिन टाइम है मैं तीन दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ रहा था बस फार्मूले मैंने छोटी छोटी कॉपियाँ बना के रखी थी फार्मूले के बस मैं वो पलटता देख देखता था पहले तो मुझे सिलेबस बहुत बड़ा दिखता था मैथ्स का कि इतने सारे चैप्टर्स हैं इतना बल्कि है, कभी इतना पढ़ाई किया नहीं है सब कुछ हो पाएगा नहीं लेकिन लास्ट में ऐसा हो गया था कि अब आंख बंद करके बैठता था तो सब कुछ दिमाग के सामने आता था बिल्कुल पाँच मिनट दस मिनट में मतलब सारे चैप्टर्स लगते थे कि दिमाग में घूम जाते हैं ऐसे हो गए थे तो मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई है और एग्ज़ाम में अच्छा करके आऊंगा जो भी होगा देखा जाएगा एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो मैं बस इस विश्वास के साथ एग्ज़ाम की डेट भी आ गई सर ने जैसा वैसा बताया था सब कुछ वैसे फॉलो किया एक बहुत अच्छी नींद ली एग्ज़ाम देने गया तो जब एग्ज़ाम देने बैठा था तो करीब एक घंटे तक बैठना था हमें एग्ज़ाम में तो उस पल थोड़े देर के लिए मन में थोड़ा सा आया ख्याल कि यार मतलब कि सेकंड बार दे रहे हो तुम पेपर कहीं बिगाड़ ना लो लेकिन फिर मैंने समझाया ठीक है तैयारी है पूरी अपनी कोई दिक्कत नहीं जाएगी अपना बेस्ट करना है पेपर में और मैं इस विश्वास के साथ मैं पेपर देना शुरू करा तो शुरुआत में तो थोड़ा लगा कि थोड़ा सा पेपर अनएक्सपेक्टेड टाइप का दिख रहा था वैसे था नहीं तो थोड़ा देर के लिए घबराया मैं लेकिन फिर अपने आप को शांत किया एक लंबी ब्रेथ ली और फिर मैंने पेपर करना शुरू करा पेपर करना शुरू करा और पेपर बनते चला गया बनते चला गया बस कर लिया पेपर सही से तो मुझे लग रहा था कि यार मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो रह गए मतलब जो कर पाते थोड़ा थोड़ा था करीब दो तीन क्वेश्चन जो थे मैं कर पाता था और लेकिन जो कर नहीं पाया शायद थोड़ा प्रेशर ले लिया मैं एग्ज़ाम में तो जब करके बाहर निकला तो बच्चे बता रहे थे कि मतलब कि इतना किया इतना करा तो मैं फिर से डर गया कि यार इस पेपर में कोई इतना इतना ज़्यादा स्कोर करके आ रहा है कोई चालीस कर रहा है कोई पैंतालीस कर रहा है तो मैंने तो बहुत कम कर ही थे तो फिर मैं थोड़ा तो डरा हुआ था फिर मैं वापस आया कोचिंग तो सर से बात की थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो अपना मैंने बेस्ट दिया और फिर मैंने इंतजार की तो आज रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हूँ तो थैंक यू सर देखिए जैसे अमन ने अभी अपनी पूरी स्टोरी बताई और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कई बच्चे होते हैं जो अपनी कमियाँ नहीं बताते जैसे अमन का लास्ट ईयर भी रैंक अच्छा आ जाता पर एक तो कोविड और घर चले जाने के बाद एक थॉट प्रोसेस जो होता है ना कई बार जो प्रेशर वाला निगेटिव वो हमें पीछे कर देता है और वो इसके साथ हुआ और इसकी कंडीशन काफी अलग तरह की थी सिचुएशन बहुत अलग थी और अपना ऑनलाइन जॉब करके कुछ कुछ करके ये अपना अरेंज करता था तो ये सब चीजें फेस की हैं इसने पर कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है वो है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में जो बिना बात के जो प्रेशर लिया उसने थोड़ी सी रैंक को आपको डिस्टर्ब किया नहीं तो आप आज जहां थे ना उससे कई गुना अच्छी होती रैंक बट अंत भला तो सब भला अभी भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिला ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन्स और अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको लगता है ना कि मैंने ये बिना बात के प्रेशर लिया ये कोई भी ऐसा बच्चा जो इस चीज को सोचता या करता उसको आप बहुत अच्छे से गाइड और मोटिवेट कर सकते हो ये परंपरा बनाए रखना वंस अगेंस कॉन्ग्रेचुलेन थैंक यू सर थैंक यू